Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. Dear students, today we discuss about standard 4th English subject second lesson noses. तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक noses है और एक आपका दूसरा है पार्ट. तो मैं पहले noses के बारे में आपको बता दूँ, ये एक छोटा सा poem भी है. तो यहाँ पे जो noses है ये एलन फिशर एक राइटर है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, ये एलन फिशर ने लिखा है. तो इनके बारे में मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह देना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज नोटिफिकेशंस. तो ये वीडियो से पहले मैंने बहुत रिलेटेड 4th स्टैंडर्ड के वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप ज़रूर देखिए और उसे लर्न कीजिए और सीखिए. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एलन, जो कि बहुत ही फेमस पोएटर है. देखिए, ये एक अमेरिकन पोएटर है, इन्होंने 100 अवार्ड्स विनिंग बुक्स जीत चुके हैं. सितंबर 9, 1906 में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, तो ये उनके बारे में, वो कौन से शहर से है, देखिए मिकचेन शहर है जो वहाँ से, वहाँ की है वो. ओके, और एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं इन 1927 में, शिकागो और मसूरी के. और उनका पूरे जो लाइफ, लास्ट जो उनका डेथ हुआ था वो दिसंबर 2, 2002 में हुआ था. तो ये इनके बारे में, एलन फिशर के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है. तो चलिए अब लेसन चलते हैं, उन्होंने कैसे लिखा ये लेसन देखिए. नोजेस, नोज मतलब नाक होता है. तो ये जो नोज है वो हमारे चेहरे पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, नोज का आपको पता है. तो चलिए देखते हैं. आई लुक इन मिरर, मैं पहले आपको मार्कर से समझा दूँ. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. यहाँ पे पहला स्टैंजा जो बताया गया, जो नोज़ है, मैं मिरर में जब देखता हूँ या देखती हूँ तो मैं अपने नोज़ को भी देखती हूँ, तो ये बहुत ही फनीस्ट वे में ग्रो होता है वो मैंने देखा, यानी बढ़ता है. नोज़ कैसे बढ़ता है, वो बहुत ही फनीस्ट वे में बढ़ता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, पोएटर ने बताया है. अभी नेक्स्ट देखते हैं. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स सोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज. तो स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स सोज मतलब क्या होता है, ये थोड़ा जो नोज़ है वो राइट साइड की तरफ से या लेफ्ट साइड की तरफ से थोड़ा ऐसा मतलब फैला हुआ है, और वो उसमें एक दो होल है जिसमें हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम जैसे ब्रीथिंग करते हैं नोज़ के थ्रू. तो ये यहाँ पे वो इमेजिनेशन में बताया गया है. नेक्स्ट आंसर देखिए. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन. चिन मतलब होता है गाल. तो एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर. तो यहाँ पे जो पोएटर ने बताया है कि जब आप मिरर देखते हो तो आप पूरी तरह स्टडी करते हो कि आई लुक इन द मिरर एंड सॉ इज देयर इन देयर द एंड ऑफ माई चिन, यानी गाल चिन जो है वहाँ पे ख़त्म, वहाँ से लेके पूरे अपने हेयर में जो है सर का बाल जहाँ से शुरुआत हुआ है, ये पूरा फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए मैं आपको बताऊँगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये पूरा को हम मिरर में जब स्टडी करते हैं तो क्या दिखता है, देखिए. द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजेंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर. तो ऐसा लगता है जैसे नोज़ के लिए जितना भी जगह वहाँ पे चेहरे पे है तो वो जगह ऐसा है जैसा कोई एक छोटा सा हैंडल को वहाँ पे चिपका दिया गया हो दीवार पे. तो वैसा यहाँ पे एक इमेजिनेशन दिया है, जो कि नोज़ हमारे चेहरे के बीचों बीच हिस्से में दोनों गाल के बीच में, और वहाँ पे एक जैसा एक हैंडल की तरह चिपका दिया गया है ऊपर से एंडिंग तक. ठीक है. इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन
No doubt you will see how funny your nose stick out. If ever you want to giggle and shout, अगर जब आप चीखते हो चिल्लाते हो जो भी आवाज़ करते हो and can't think of what to do it about, तो जब उसके बारे में नोज़ के बारे में हम इतना ध्यान नहीं रहता है, सोचते नहीं हैं कि वो कैसा दिखता है और कैसा हमारा चेहरा दिखता है, just look in the mirror, तो mirror को देखिए, then no doubt you will see how funny your nose stick out. तो जब आप कोई भी reaction देते हो, कोई भी चेहरे का, अगर कोई सोचिए अब कोई एक्टिविटी करते हो, जैसा हमें कोई चीज़ का मतलब स्मेल आना या फिर हम किसी को गुस्से में देखते हैं, तो उस टाइम पे हमारा चेहरे में जो झलक आता है, जो नोज़ का स्ट्रक्चर रहता है, वो कैसा थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो वो बारे में यहाँ पे आपको पोएटर ने बताई है. ठीक है, एलन फिशर. तो ये आपका पहला पार्ट है पोएम का जो नोजेस के ऊपर है. अभी नेक्स्ट हम देखते हैं उन्होंने दूसरा वाला पार्ट में क्या लिखा है. ए लिटिल फिर ट्री के बारे में लिखा है, ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जैसा है, राइटिंग स्टोरी है. तो फिर ट्री जो होता है वो आपको बेसिकली हिमालयस के एरियाज में मिलेंगे, जो बर्फीला एरियाज में, और इसके पत्ते बहुत नोकीले होते हैं. आप देख सकते हैं कैसा दिखता है फिर ट्री. तो देखिए, सेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम. ठीक है, सेट्टी जो है ये एक नाम है, ये एक मैजिशियन का नाम है जो जादूगर है. रिटर्न होम, घर आ रहा था. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन, तो जैसे वो आधे रास्ते में आया तो बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी. इट रेन्ड हैविली, बहुत जोरों से बारिश हुई. सेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फिर ट्री. तो सेट्टी क्या किया, जब रास्ते में आ रहा था तो जो मैजिशियन सेट्टी उसका नाम है, तो उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत एक जो फिर ट्री है, जो कि छोटा है और बहुत खूबसूरत है, हरा भरा है, वहाँ पे है. ही रैन टूवर्ड्स इट एज फर्स्ट एज ही कुड, तो वो दौड़ दौड़ के भागने लगा उस ट्री की तरफ, फिर ट्री की तरफ. क्यों? क्योंकि बारिश जोरों से हो रही थी. सून द रैन स्टॉप्ड, तो बहुत जल्दी रून जो बारिश था, रैन था, वो बंद हो गया. शेट्टी वॉज हैप्पी दैट, एक मिनट, लुक अराउंड शेल्टर एंड शॉ अ प्रिटी. तो यहाँ पे ऊपर जो स्टैंजा है ये वाला मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ. तो सेट्टी क्या किया, जब वो बारिश हो रही थी दौड़ के भागा, तो शेल्टर मतलब क्या होता है, छत, जो घर जो होता है छत, तो शेल्टर यानी उसको एक जगह चाहिए थी ताकि वो ना भीगे, तो इसलिए क्या किया, वो दौड़ के गया और वो फिर चिके नीचे चला गया ताकि वो भीगे ना. वो पूरा पेड़ में, बाहर बारिश हो रही थी लेकिन पेड़ के नीचे बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए वहाँ पे वो अपना सर छुपाने के लिए चला गया. सून द रेन स्टॉप्ड, सेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट, वेट मतलब गीला. तो बहुत जल्दी बारिश बंद हो गई, तो वहाँ पे सेट्टी जो है वो देखा कि वो पूरा सूखा है, मतलब ज़्यादा बारिश से गीला नहीं हुआ, वो सही सलामत है, बारिश में भीगा नहीं है. थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, ask for four wishes and I will grant them. तो यहाँ पे जादूगर जो है, ये जो सेट्टी है, इसने ये ट्री को बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बारिश से बचाया ताकि मैं गीला नहीं हुआ, और अभी मैं तुझे चार विश दूंगा, चार विश तेरा पूरा करूँगा, तू मांग जो मांगता है मैं उसको पूरा कर दूंगा. मैं तुझे चार विश के लिए मतलब उसको ब्लेसिंग करता है वो. ठीक है, आई विल ग्रांट देम, शेड द मैजिशियन. तो यहाँ पे उसने बोला तू चार विश को भी मांग सकता है, तेरा चार विश पूरा हो जाएगा. द सैड फिर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. तो जो वो ये जो आपका फिर ट्री है, ये जो फिर ट्री में आप देख रहे हो, ये जो इसके लीव्स है, देखिए यहाँ पे ये पूरे लीव्स है, इधर वाले भी लीव्स है, तो ये वाले बहुत ही नोकीले होते हैं, तो इसके वजह से, बहुत ही नोकीले के वजह से वहाँ पे कोई भी बर्ड्स वहाँ पे घोंसला नहीं बनाती थी, कोई भी चिड़ी. तो इसलिए उसने बोला, यहाँ पे बताया गया है, सैड फिर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल, नीडल मतलब सुई होता है, एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट, कोई भी बर्ड वहाँ पे घर नहीं बनाती थी, घोंसला नहीं बनाती थी. आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, मेरे पास ग्रीन लीव्स भी है जो कि दूसरे मतलब
माय अदर फ्रेंड्स, मतलब दूसरे फ्रेंड्स जो है उसके भी ग्रीन लीफ पत्ते हैं, फिर भी मेरे ऊपर कोई भी पेड़ पौधे कोई भी जो बर्ड्स है कोई भी घर वगैरह नहीं बनाते, ऐसा उसने बोला। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड, तो उसने बोला यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे वही फिर ट्री ने ये विश किया कि उसके जो दूसरे फ्रेंड्स है जैसे उनके पत्ते हरे भरे हैं और अलग तरीके के हैं, जैसे नोकीले नहीं हैं, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ऐसा विश उसने किया कि काश मेरा ऐसा पत्ते हो जाते, मेरे पेड़ में पत्ते हो जाते तो कोई भी बर्ड्स आके वहाँ पे घर बना ले। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने देखा इट विश वॉज ग्रांटेड, उसका विश पूरा हो गया था। सून अ गोट कम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, तो जब फ्री ट्री जो फिर ट्री होता है वो जब उसका पहला विश पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो एक बकरी, यहाँ पे देखिए गोट, ये बकरी तुरंत सुबह, नेक्स्ट सुबह एक बकरी घूमते घूमते हुए आती है, यहाँ पे भी एक बकरी है, तो ये दो बकरी आते हैं, तो हरा भरा पेड़ है तो ऑब्वियसली बकरी पत्ते खाएगी ही, तो वो पत्ते खाना चालू कर देती है। ओ डियर शेड द फिर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एंड गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, तो यहाँ पे ये जो लाइन है देखिए, ओ डियर यहाँ पे लिखा है और ये लीव्स तक, तो यहाँ पे ये दूसरा विश उसका उसने मांगा कि मेरे हरे पत्ते हो गए हैं इसलिए ये जो गोट है, गोट ये पत्ते खा रही है, तो मुझे मेरे जो पेड़ के पत्ते हैं मुझे गोल्डन कलर चाहिए ताकि वो देख के बकरी उसको ना खाए। सो गोट डू नॉट ईट द गोल्ड लीव्स। व्हेन द लिटिल फिर ट्री वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो नेक्स्ट सुबह जब वो ये दूसरा विश मांग के पेड़ नेक्स्ट मॉर्निंग जब देखता है तो क्या होता है, इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स, हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, तो नेक्स्ट सुबह देखता है तो उसके पूरे जो पत्ते होते हैं वो देखिए यहाँ पे, ये देखिए गोल्ड कलर है, ये पूरा गोल्ड कलर हो गया है पूरा पत्ता, तो गोल्ड लीव्स पूरे आ जाते हैं उसके पत्तों में, तो उससे वो बहुत ही खुश होता है कि वो जो फिर ट्री है वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता कि वो कितना खुश हो गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, तो यहाँ पे एक चोर आता है जो कि चोरी करके भागते हैं, यहाँ पे देखिए दो चोर हैं, ये क्या किए, तो सोने के पत्ते हैं तो सबको मतलब सोना बहुत पसंद है, वो बेचेंगे पैसा कमाएंगे, तो इसलिए वो क्या किए, वो पत्तों को तोड़ के लेके भाग रहे थे। ओके, फिर उसने दुखी होकर क्या बोला, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, तो उसने बोला कि काश मेरे पास मेरा जो पत्ते है वो कांच के हो जाते ताकि चोर उसको ना ले जा सके, ना ही कोई आदमी ले जा सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स सोन इन द ब्राइट सन, तो दूसरे दिन क्या हुआ, ये उसका तीसरा विश था, तो उसके जो पत्ते थे वो कांच के बदल गए थे, ग्लास के हो गए थे और सूरज की रोशनी में वो चमक रहे थे। हाउ हैप्पी आई एम, वो बहुत ही खुश था। इट सेड एट नाइट द विंड ब्लू वू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, तो जब रात हुआ तो रात होने के बाद जो ग्लास के पत्ते थे, तो पत्ते तो देखो जब डियर स्टूडेंट्स अगर ज़ोर से हवा आती है तो पत्ते तो झड़ते ही हैं पेड़ से, तो वैसे वो ग्लास के लीव्स थे सारे झड़ गए और टूट गए, ब्रोक हो गए, तो फिर वो पेड़ दुखी हो गया, यानी ये वाला उसका तीसरा विश भी कंप्लीट हो गया था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ओ डियर सेड द फिर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोट्स, डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम एंड द विंड विल डू देम नो हार्म, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे उसने क्या बताया, देखिए ओ डियर, फिर यहाँ तक देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे वो जो फिर ट्री ने सोचा, जब उसका जो ग्लास वाला जब जो लीव्स थे यहाँ पे देख सकते हो आप, वो गिर के रात में जब पूरे हवा से टूट गया, तो फिर उसने सोचा कि अरे मेरा जो निडल वाला लीव था वो ही अच्छा था, ना ही कोई बकरी खाती थी, ना ही कोई वहाँ पे हवा आके वो हवा उसको तोड़ सकता था या गिरा सकता था, ना ही वो टूटता था, ना ही कोई चोर आके वो पत्ते ले जा सकता था, तो ऐसा उसने सोचा।
फिर क्या देखिए, द ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन। यानी जब वो, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, जब इसने आखिर में वैसा लास्ट विश जो था उसका, उसने दोबारा उसके जैसे पहले के पत्ते थे जो निडल लाइक, तो वैसे ही पत्ता उसने विश किया। फिर जब रात को बोल के सो गया तो सुबह जब उठा तो उसका एज यूजल फोर्थ विश भी पूरा हो गया और उसके जो पहले पुराने जो निडल लिप थे वही दोबारा उसको मिल गए। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी शेयर द लिटिल फिग ट्री। तो यहाँ पे लास्ट में ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी शेयर द लिटिल ट्री, तो उसने बोला कि मैं जो जैसा मेरे पास, मुझे जो पत्ते मेरे हैं भगवान ने जो दिया है तो मैं उसी में खुश हूँ, मुझे ज़्यादा और लालच नहीं चाहिए और ना ही मुझे ज़्यादा उसमें खुश होना चाहिए, तो मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, ऐसा वो पेड़ ने सोचा और वो हैप्पीली रहने लगा। ओके, तो ये था आपका स्टैंडर्ड फोर्थ के सेकंड लेसन के दो पार्ट एक्सप्लेनेशन है लेसन का। तो क्वेश्चन आंसर के वीडियोज़ मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रूर देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। ओ डियर सेड द फिर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोड्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम एंड द विंड विल डू देम नो हार्म। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे उसने क्या बताया, देखिए, ओ डियर, फिर यहाँ तक देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे वो जो फिर ट्री ने सोचा, जब उसका जो ग्लास वाला, जब जो लीव्स थे यहाँ पे देख सकते हो आप, वो गिर के रात में जब पूरे हवा से टूट गया, तो फिर उसने सोचा कि अरे मेरा जो निडल वाला लीव था वो ही अच्छा था, ना ही कोई बकरी खाती थी, ना ही कोई वहाँ पे हवा आके वो हवा उसको तोड़ सकता था या गिरा सकता था, ना ही वो टूटता था, ना ही कोई चोर आके वो पत्ते ले जा सकता था, तो ऐसा उसने सोचा। फिर क्या देखिए, द ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन। यानी जब वो, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, जब इसने आखिर में वैसा लास्ट विश जो था उसका, उसने दोबारा उसके जैसे पहले के पत्ते थे जो निडल लाइक, तो वैसे ही पत्ता उसने विश किया। फिर जब रात को बोल के सो गया तो सुबह जब उठा तो उसका एज यूजल फोर्थ विश भी पूरा हो गया और उसके जो पहले पुराने जो निडल लिप थे वही दोबारा उसको मिल गए। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी शेयर द लिटिल फैक्ट्री। तो यहाँ पे लास्ट में ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल ट्री, तो उसने बोला कि मैं जो जैसा मेरे पास, मुझे जो पत्ते मेरे हैं भगवान ने जो दिया है तो मैं उसी में खुश हूँ, मुझे ज़्यादा और लालच नहीं चाहिए और ना ही मुझे ज़्यादा उसमें खुश होना चाहिए, तो मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, ऐसा वो पेड़ ने सोचा और वो हैप्पीली रहने लगा। ओके, तो ये था आपका स्टैंडर्ड फोर्थ के सेकंड लेसन के दो पार्ट एक्सप्लेनेशन है लेसन का। तो क्वेश्चन आंसर के वीडियोस मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रूर देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।